हेलो एवरीवन, आई एम प्राची कपूरिया। मेरे को ज्वाइन किए हुए एक महीना ही हुआ है और यहाँ पर जो पढ़ाने का तरीका है मुझे बहुत अच्छा लगा, बिकॉज़ मैम कोई भी चीज़ को स्टोरी की तरह बताती है ताकि वो चीज़ ज़्यादा अच्छे से याद। जैसे बचपन में हमको सिखाया जाता था कोई भी स्टोरी जो आज तक याद है, सेम ऐसे ही उनका जो बताने का तरीका है, वो पहले वो पूरी स्टोरी बताती है उस चीज़ की, कैसे हमको उसको याद करना है, उसके बाद में वो हम उसको याद करने का तरीका बताती है। और यहाँ पर डेली टेस्ट होता है जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है कोई भी चीज़ को, बिकॉज वेन एवर यू कीप ऑन रिवाइजिंग वो चीज़ ज़्यादा अच्छे से दिमाग में बैठती है। जब मैं यहाँ पे आई थी तो मुझे ऐसा कुछ भी नहीं पता था कि हाउ टू लर्न, सिर्फ कोई चीज़ ऊपर ऊपर से याद होती, बट सेक्शंस का नाम, आर्टिकल, ये सब चीज़ें याद नहीं होती थी। तो डे फर्स्ट मैम ने हमको बताया कि प्रीएम्बल कैसे याद करना है। उस वक्त मुझे सिर्फ इतना ही पता था वी द पीपल ऑफ इंडिया एंड नाउ वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलेम रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू अ सोवरेन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक एंड टू सिक्योर टू ऑल इट्स सिटीजंस जस्टिस सोशल इकोनॉमिक पॉलिटिकल लिबर्टी ऑफ एक्सप्रेशन बिलीफ फेथ वर्शिप इक्वलिटी ऑफ स्टेटस एंड ऑफ अपॉर्चुनिटी एंड टू प्रमोट अमंग देम ऑल फ्रेटर्निटी अश्योरिंग द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल एंड द यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन इन आर कॉन्स्टिट्यूट असेंबली दिस 26 डे ऑफ नवंबर 1949 डू हेयर बाय अडॉप्ट एनएक्ट एंड गिव टू असेस दिस कॉन्स्टिट्यूशन। ये जो है फ्लुएंसी या ये जो प्रीएम्बल याद करने का तरीका सिर्फ और सिर्फ उर्मिला मैम की वजह से ही है। और मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी कि अगर आप लोगों को RGS या जेल हो या फिर जो भी आपका जुडिशियल में आपका जो भी ड्रीम है जो आपको करना है आगे, डू जॉइन सूर्य नगरी यूनिक लॉ क्लासेस बिकॉज द वे दिल टीच यू विल डेफिनेटली रीच टू योर गोल। माय नेम इज़ गोविंद अमरंगा एंड मैं लॉ फील्ड में जॉब लेने की तैयारी 2-3 साल से कर रहा हूँ, पर ऐसे जेल इसलिए बनना चाहता हूँ क्योंकि मुझे लॉ फील्ड में एक जॉब चाहिए और RJS भी मेरा एक ड्रीम है, क्योंकि आज के टाइम में इस सर्विस के अलावा और कोई सर्विस ना तो सेफ है और ना ही इतनी सोफिस्टिकेटेड और अपनी रेपुटेशन को बनाने के लिए सोसाइटी में। दूसरी बात, मैंने SULC इसलिए ज्वाइन किया है क्योंकि मैम की 3 चीज़ें मुझे बहुत अच्छी लगी। पहला तो हर चीज़ को एक तो क्लियरली समझाना, बिल्कुल डीप हर पॉइंट पे क्लियर करना। दूसरा, क्लियर करने के साथ साथ आपको उसको हाथों हाथ याद भी करवा देना, ताकि क्या है कि एक्चुअली में समझा तो कोई भी सकता है, जिसने लॉ में इतने सालों से कर रखा है, पढ़ रखा है, जो भी वो भी हमें छोटी छोटी चीज़ें बता पाएगा, परंतु उसको हाथों हाथ याद करवाना और फिर टेस्ट भी ले लेना, जिससे आदमी को क्या होता है कि हाथों हाथ पढ़ा, हाथों हाथ याद किया, हाथों हाथ टेस्ट दिया, तो वो हमेशा मेमोरी में क्लियर हो जाता है और फिर हम कभी कंफ्यूज नहीं हो पाते फ्यूचर में। यहाँ आने का एक और मुझे मकसद है कि मुझे लगता है ऐसा कि मैम की जो मेहनत है और जो उनका स्ट्रगल है वो मेरे फ्यूचर को जरूर संवार देगा। थैंक यू वेरी मच। मैं संकिता गहलोत, आई हैव स्टडीड फ्रॉम एमिटी यूनिवर्सिटी राजस्थान। आई वॉन्ट टू बिकम RJS फॉर माई पेरेंट्स ओनली बिकॉज देयर ड्रीम इज़ टू बिकम मी एज ए जुडिशियल ऑफिसर सो आई कैन गेट रिकॉग्निशन फ्रॉम माई इंस्टीट्यूट। I have joined SULC क्योंकि एक इंस्टीट्यूट ही, कोचिंग इंस्टीट्यूट ही सबसे बड़ी चीज़ होती है जहाँ आपको अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस का पता चलता है, क्योंकि वहाँ की जो फैकल्टीज़ होती है लाइक हमारी उर्मिला मैम, वो हमको रोज़ का रोज़ डेली टेस्ट देना, रिविजन करवाना, क्योंकि ये सबसे बड़ी चीज़ होती है, हर एक बच्चे पर ध्यान देना जो हर कोचिंग इंस्टीट्यूट प्रोवाइड नहीं करता है। मैम हर एक बच्चे पर ध्यान देती है, हर एक बच्चे को हर एक पर्टिकुलर लॉ पॉइंट पर क्लियर करना सिखाती है, कैसे लॉ पढ़ना है ये चीज़ भी सिखाती है। ऑल्दो हमने लॉ पूरी पढ़ ली बट फिर भी आज तक हम ये नहीं सीख पाए कि कैसे हर एक सेक्शन को पढ़ना है, कैसे हर एक बेरेक्ट को लर्न करना है, कैसे करना है, कैसे एग्जाम में फाइट करना है। ऑल्दो मैम ने इतना स्ट्रगल किया है, इसलिए मैम के पास में इतना नॉलेज है कि वो आज इतनी केपेबल है कि हमको इतनी सारी नॉलेज दे सके। इसलिए मुझे ऐसा लगता है, बाकी कोचिंग मैं बुराई नहीं करी किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट की, बट मैं ये कह सकती हूँ कि बेस्ट कोचिंग इंस्टीट्यूट जो मुझे लगा है आफ्टर getting all the knowledge from other coaching institute, this is the best institute, क्योंकि because of Urmila ma'am only. Thank you.